हेलो दोस्तों, आज हम दो ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर ना सिर्फ 100-200 बल्कि करोड़ों लोगों को खुश किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकुश राजा के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये एक भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी एक्टर हैं। तो चलिए अंकुश राजा के बारे में गहराई से जानते हैं। अंकुश राजा का जन्म रोहतास जिले सदर प्रखंड के तेतरी गाँव में हुआ था और अंकुश राजा के पिताजी का नाम लक्ष्मण दुबे है और उनकी माताजी का नाम कालिंदी देवी है। और जहां तक अंकुश राजा की पढ़ाई की बात है तो उनके पिताजी ने ही शुरू से दोनों को संगीत की शिक्षा देने का निर्णय किया था और अंकुश राजा ने प्रज्ञा संगीत समृति जो कि प्रयागराज में है वहां से एमए किया है। अंकुश राजा ने 10 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अंकुश राजा ने अपना पहला गाना गाया जो कि ब्लॉकबस्टर रहा। फिर उसके बाद दोनों भाई ने भोजपुरी संगीत को बहुत ज्यादा हिट गाने दिए जिसकी लिस्ट आप सामने देख सकते हो। 2018 में अंकुश राजा ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें अभी तक 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। फिर उसके बाद अंकुश राजा ने अपना एक गाना रिलीज किया जिसका नाम लाखों है दीवाने और उस वीडियो में 1 साल में 150 प्लस मिलियन व्यूज गए हैं जो कि बहुत गजब बात है। अंकुश राजा अब तक के भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं। आज भी इनके गाने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में सुना जाता है। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से अंकुश राजा की जोड़ी ने पूरी उद्योग की दुनिया में एक अलग स्थान और नाम हासिल किया है कि हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, अंकुश राजा ने आज तक कोई भी अश्लील या गंदे गाने नहीं गाए हैं क्योंकि अंकुश राजा हमेशा अश्लील और गलत गानों के खिलाफ है। आने वाले समय में अंकुश राजा कभी अश्लील गाने नहीं बनाएंगे जिससे आप अंकुश राजा के गानों को अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। और अगर अंकुश राजा की फिल्मों की बात करें तो अंकुश राजा की एक फिल्म जिसका नाम है मैं तेरा आशिक जो कि रिलीज होने वाली थी कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल रिलीज नहीं हो पाया, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही अंकुश राजा की ये फिल्म मैं तेरा आशिक सारे सिनेमा घरों में उपलब्ध हो जाएंगी। और इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं सारे पेरेंट्स और गार्जियन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना करें पढ़ाई में और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप उनके हुनर को देखें कि वे कौन से काम में सबसे ज़्यादा माहिर हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप उनके हुनर को एक बार पहचानें, देखें, अगर वो उस काम में अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको वो काम करने दो क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे टेक्नोलॉजी आर्केड में अच्छे होते हैं और बहुत सारे बच्चे एक्टिंग में अच्छे होते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके टैलेंट को पहचानें। दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।